नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं छपरा के धानाडीह गांव। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह खेसारी लाल यादव का पैतृक आवास है। खेसारी का जब जन्म हुआ तो सर पे छत नहीं थी और घर की हालत ऐसी कि गुजारा करने के लिए सड़क पे लिट्टी चोखा तक बेचा। संघर्ष के शुरुआती दौर में गाँव में होने वाले नाच और तमाशा में भी काम किया। वो कहते हैं ना कि सबका दिन आता है, और जब खेसारी का आया तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री ही हिल गया। खेसारी लाल यादव एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेते हैं और छोटे छोटे मंचों से वो शुरुआत करते हैं और अपने संघर्ष के दम पर आज बन चुके हैं भोजपुरी के सबसे लोकप्रिय अभिनेता और गायक। तो चलिए हम लोग जानते हैं खेसारी लाल यादव की कहानी, उनके गांव और उनके परिवार वालों के जुबानी। तो यह है खेसारी लाल यादव का आवास और यह इनका गांव है। तो देख सकते हैं कि कैसा गाँव है और यह घर है सामने, और ऊपर में जैसे कि लिखा हुआ है श्री मंगलू यादव, जो उनके पिताजी का नाम है, और मेघनाथ यादव, ये उनके चाचा जी का नाम है। दोस्तों आप लोगों ने खेसारी भैया का घर देखा, उनके पापा जी और उनके चाचा जी को तो आप लोगों ने हजारों वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ उनके परिवार से जुड़े एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। ये खेसारी भैया के फूफा जी हैं। तो कैसे हैं फूफा जी आप? कैसे हैं? हाँ, हमारा घर छपरा पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खेसारी भैया जो है यूपी के हैं, तो उनका जो परिवार है वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? का परिवार वही का, हाँ बिहार ही में हुआ, छपरा जिला, और सारण है, सारण जिला उसी के है, उसी में धानाडीह गांव है, रसूलपुर चट्टी थाना है, यहीं के रहने वाले हैं। इनका जन्म जाति तो बहुत पुराना है यहाँ। हाँ हाँ, इनके दादा परदादा सब यहीं के रह माने बसीना है धानाडीह का। हाँ, तो खेसारी भैया के जो लाखों करोड़ों फैन हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है कि उनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार है। नाम जो जति में रहते थे कमला पांडे, वो नाम रख दिए। तो उनका नाम खेसारी कैसे पड़ गया? खेसारी किसने रखा? हाँ, वही कमला पांडे गाना अथी जो चुटकुला उटकुला पर गाते थे ना, तो वही उसी पर उन्होंने कोई ऐसा आया प्यारन का नाम लगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसी पर कहे कि आज से हमारा नाम यही रहेगा खेसारी। तो जैसे से गाना गाते थे तो मार्केट में उन लोग प्यार मिलता रहे, इसी नाम से लोग परिचित हो गए। उनका मेन स्कूल का नाम चाहे घर का नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न। तो खेसारी भैया गायकी के क्षेत्र में कैसे आए? उनके परिवार में कोई सदस्य था जिनको गायकी में दिलचस्पी थी? उनके पिताजी का था। पिताजी पिताजी के भजन कीर्तन निर्गुण भजन बहुत गाते थे। हाँ, दुकान था ना उनका मिठाई का दिल्ली में, तो उसमें कुछ ऐसा कभी कभी गाना बना कर गाते थे बेचने के लिए सब सामान। आप बड़ा चुटकुला जानते हैं उनका भी, देखिए तो कि चौपाई सुनिएगा तो वकील खराब हो जाएगा। तो वही संस्कार बच्चा पर पड़ गया। गरीबी एक ऐसी चीज है, जब इंसान गरीबी से उठ के अपने मुकाम को पाता है तो उसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। खेसारी भैया के घर के ठीक सामने उनका गोहाली है। इनका जो घर है यह गांव में पड़ता है और घर में काफ़ी सारे गाय और बैल भी है, जैसे कि देख सकते हैं यह गोहाली है। इस जगह पे खेसारी भैया के गाय और बैल रखे गए हैं। तो देख सकते हैं यह जो है यह गोहाली घर है और यहाँ पे गाय बैल सब है, और उस साइड में जो है चारा काटने वाला मशीन और थ्रेसर वगैरह सब रखा गया है। तो यहाँ से हम आप लोगों को लेके चलेंगे खेसारी भैया के न्यू घर पे, जहाँ पे उनका न्यू घर बन रहा है, काफ़ी बड़ा सा घर बन रहा है, वहाँ लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग खेसारी भैया के न्यू वाले घर पे आ गए, और ये इनका काफ़ी आलीशान सा और काफ़ी बड़ा घर बन रहा है, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। एक दो मवेशी हैं, और ये जो है ये पूरा ग्राउंड है। ये न्यू वाले घर का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इस साइड सीमेंट वगैरह रखा हुआ है और आगे सरिया सब है। यह काफ़ी आलीशान सा घर बन रहा है, और यहाँ पे आने के बाद हमें खेसारी भैया का बुलेट मिला, देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का बुलेट है, और आगे में जो है
इस पे लिखा हुआ है और आगे में यहाँ पे लिखा हुआ है कृति, जो कि उनके डॉटर का नाम है। खेसारी भैया जब भी गांव आते हैं तो इसी बाइक पर बैठ के गांव की सैर करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खेसारी भैया ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने बस 10th तक की पढ़ाई की है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, यह है महेंद्रनाथ संस्कृत प्राथमिक सह उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद करूँगा कि यह व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।